नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके हैं एल्युमिनियम प्रोफाइल 45 mm में। उसका डोर कैसे बनाते हैं, ये फ्रेम प्रोफाइल है और ये हैंडल प्रोफाइल है, और इसमें कितने कलर आते हैं। इसमें एल्युमिनियम कलर आता है, ब्रश कलर आता है, सीपी कलर आता है, रोज गोल्ड कलर आता है और ब्लैक कलर आता है। और जब इसका डोर बनाते हैं कॉर्नर से कितने mm पे कटाई, उसको प्रोफाइल को कट करें जो अपना 90 डिग्री पे स्क्वायर राइट एंगल में डोर बन सके। इसको जो कॉर्नर की कटिंग करते हैं, कलम की कटिंग करते हैं, वो 45 डिग्री एंगल पे कटिंग करेंगे जो अपना प्रॉपर जब उसको ज्वाइंट करते हैं तो राइट एंगल में ज्वाइंट हो सके। और इसमें हिंजेस भी लगा सकते हैं हम। हिंजेस लगाने के लिए इसमें 35 mm का कट देना पड़ेगा आपको, राउटिंग करनी पड़ेगी। और इस तरीके से ये डोर का साइज बना के पूरा हमने एक डायग्राम दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। और इसमें 4 से 5 mm ग्लास यूज़ कर सकते हैं। जो इसकी इस प्रोफाइल की लेंथ है वो 3 मीटर की आती है, यानी कि 3000 mm की लेंथ आती है। अब हम आपको बताते हैं इसमें कौन कौन से कनेक्टर यूज होते हैं और कलम कैसे कटेगी और कौन सा फ्रेम है। ये इसका कनेक्टर है, इसको एल कनेक्टर बोलते हैं। ये मार्केट में 2 स्क्रू और सिंगल स्क्रू, जो ज़्यादा अच्छा है वो 2 स्क्रू वाला है। 2 स्क्रू से क्या, जब कलम को आप ज्वाइंट करते हैं तो वहाँ से ओपन नहीं रहती है। ये इसका कनेक्टर है, आप देख लीजिए गौर से। ये फ्रेम प्रोफाइल है, इसकी इस तरीके से 45 डिग्री एंगल से कलम कट करेंगे। ये हैंडल प्रोफाइल है, देख लीजिए आप। इसको कनेक्टर को ज्वाइंट करने के लिए इसमें होल करने पड़ते हैं, जिसमें स्क्रूइंग करेंगे हम। ओके, अब हम कनेक्टर असेंबल कर लेते हैं। तब तक इसको ज्वाइन कर लेते हैं अपन। अगर कनेक्टर गलत ज्वाइंट हो जाता है तो क्या अपने को कनेक्टर दोबारा खोलना पड़ेगा। प्रोफाइल को ज्वाइंट करने के लिए इस तरीके से ज्वाइन करेंगे। इसको इस तरीके से